तो क्वेश्चन है हमारे पास सो दैट ए बी सी, आपको तीन पॉइंट यहां दिख रहे होंगे ए बी सी आर कोलिनियर। आपको तीनों पॉइंट क्या बताने हैं बेटा, कोलिनियर बताने हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा विचार बनाओ, ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, अगर कोलिनियर होते हैं तो दो साइड का सम इस तरह कुछ हो सकता है। अब ये मैंने तो ऑर्डर में ले लिया, ये कोई ऑर्डर हो सकता है आगे पीछे हो रहे, ऑर्डर ना हो प्रॉपर, ठीक है। तो तीनों डिस्टेंस निकालें आप पहले, तो क्या क्या हमने पहले उनका रूट किया, मतलब x1 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाले से पहले ABBCCA निकाल लेंगे। यस सर। तो AB हो गया अपना 3i - j - 2k, BC हो जाएगा अपने पास 6i - 2j - 4k, एंड CA जो अपना CA बनेगा वो बनेगा 9i - 3j - 6। ऐसे आए थे क्या? यस सर। अब इनके मैग्नीट्यूड यानी के मॉडुलस जो है हम ले लेंगे, ये अपने पास आएगा 10, 14 √14। क्यों भाई? यस सर। BC 2 √14 और इसी के आगे अगर मैं CA जाऊंगा 14 आएगा, नहीं ऐसा 14 आएगा 3 √14 3 √14। अब ये इस तरह की बात सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर देखो। यस सर। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आप ये ले लेंगे, मिल जाएगा। सो ए कॉमा बी एंड सी आर कोप्लेनर, ये सॉरी कोलिनियर, ठीक है जी। किसी को समस्या? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन थीटा ? ए का मैग्नीट्यूड √3, बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 2, एंड ए डॉट बी इज √6, ठीक है। तो थीटा आपको निकालना है। दिख रहा बोर्ड क्लियर बेटा? सर 45 degree। 45 degree, ओके। और किसी का भाई? तो अपने को 45। ओके, तो अपने को यूज तो ऐसा कुछ करना था, याद है अपना √6/2 यस, ठीक है बेटा। यस सर। चलो नेक्स्ट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ
आई माइनस जे ऑन आई प्लस जे, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ये ए है आपके पास, एक वेक्टर कह दीजिए ए, ये एक सेकंड वेक्टर है इसे आप कह दीजिए बी, आपको ए का प्रोजेक्शन बी पर बताना है। प्रोजेक्शन कल हम पूरा पढ़ा था इसके बारे में, परछाई टाइप का मैंने बोला था, इस तरह से एक्सप्लेन किया था ऐसे, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये जो आपने डाला है परपेंडिकुलर, ये इतना हिस्सा, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये जो ओ एम है आपको तो ए का बी पर बताना है ना, तो आपको निकालना है ए कॉस थीटा, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे निकालना, इसकी वैल्यू निकाल। सर जीरो। जो ये आप अब करेंगे, ये क्या है कि पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं, वो आ गया आपका जीरो। क्यों बेटा? यस सर। इसका मतलब जब एक वेक्टर पे दूसरा वेक्टर 90 डिग्री बनाता है ना ये, तो उसकी परछाई जो है ना वो जीरो रहती है। परछाई क्या रहती है, प्रोजेक्शन क्या होता है उस केस में, ठीक है बेटा? ठीक है, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सर वो पीछे का जो आपने अभी क्वेश्चन बताया था उसमें थीटा की फाइंड आउट करनी है। हाँ, ए कॉस थीटा निकालना है ना, लेकिन ये जीरो हो गया, तो ए कॉस थीटा जीरो हो गया। कुछ आवाज गड़बड़ हो रहा है, आ गया समझ बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसमें कहा इन्होंने आपको एक प्रोडक्ट दिया हुआ है ए प्लस बी डॉट, गिवन है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू एट, ओके, एंड मोड ए इक्वल टू एट टाइम ऑफ मोड बी, फाइंड मोड ऑफ ए। आपको ए प्लस बी माइनस बी का प्रोडक्ट दिया हुआ है और मोड ए की वैल्यू दी हुई है एट टाइम ऑफ मोड बी, और ए का आपसे पूछा जा रहा है। भाया बेटा, सो 16√3/8/7। चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, ये एक टाइप से अगर देखा जाए तो इस तरह का बन जाएगा,
अब ये चीज आपकी कन्वर्ट होगी वहां से, तो ये हो जाएगा 64 मोड बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालोगे तो 8/63 क्यों बेटा? 64 यस सर, आ रहा है समझ? 64 नहीं, ये 1 माइनस हो जाएगा क्यों बेटा? यस यस सर। मोड भी कितना बैठा भाई? 2√2/√7 इस टाइप का आंसर बनेगा। यस क्लियर है? बस 18 को करा के मोड ए की वैल्यू बन जाएगी। अभी से 8 टाइम करेंगे तो 16√2/√3√7 आएगा। अब अपना हो जाएगा ये। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको एबीसी तीन वेक्टर दिए हैं। एबीसी तीन वेक्टर, ए इक्वल टू है अपने पास में 8, उसके बाद बी वेक्टर है अपने पास और फाइनली एक सी वेक्टर भी है अपने पास। इसके बाद कहा उन्होंने इफ ए प्लस लैम्बडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी फाइंड लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू बेटा पूछा, आपको तीन वेक्टर एबीसी दिए ठीक है। एबीसी वेक्टर जो है उनके साथ एक लैम्बडा लगा दिया, ए प्लस बी लैम्बडा बोला या लैम्बडा बी कह दो, और वो परपेंडिकुलर है सी पर, तो सी की मतलब लैम्बडा की वैल्यू बताइए। सर 8 आ रहा। 8 चलो देखते हैं। ए प्लस लैम्बडा बी, ऑब्वियसली आई कॉमन लूंगा मैं, 2 माइनस लैम्बडा, जे कॉमन रहेगा 2+2 लैम्बडा, ए कॉमन रहेगा 3+ लैम्बडा। ये लाइन क्लियर है सबको? यस सर। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा जे के मतलब ये जो आई जे के कोफिशिएंट है उनका यहां लूंगा और जीरो रखूंगा, थ्राइस ऑफ 2 माइनस लैम्बडा प्लस 2+2 लैम्बडा इक्वल टू जीरो। यस सर। तो ये हुआ 6-3 लैम्बडा प्लस 2+2 लैम्बडा इक्वल टू जीरो। अभी अपने पास माइनस लैम्बडा प्लस 8 इक्वल टू जीरो, 8 आ गया ना? यस सर। गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो गया यहाँ पर। यस सर। चलो आगे चलें। नेक्स्ट है आपको एक ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं,
एबीसी के 1 2 3, दूसरा आपके पास है बी, उसके कोऑर्डिनेट -1 0 0, फिर अपने पास है सी 0 1। आपसे कहा गया एंगल ए बी सी फाइंड करने के, एंगल ए बी सी आपसे फाइंड करने के लिए बोला है। देखो ये जो एंगल है ये, इसके लिए आपको एक तो बी ए निकालनी पड़ेगी साइड और एक बी सी, समझ रहे हो क्या बेटा? क्या निकालना है? बी ए बी सी। तो जब आप बी ए निकालोगे तो आएगा 2i 2j 3k, और बी सी के लिए क्या करोगे? आई cos इनवर्स 2k। अब इसको a वेक्टर सोच लो और इसको b वेक्टर। अब आप a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा पे जाओगे, ठीक है? तो कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट 2 + 2 + 6 अपॉन रूट 4 4 9 17। क्यों बेटा? यस सर। और सेकंड वाला क्या आएगा? 6 6। ऊपर कितना आएगा? 10 अपॉन 102। अब कई बार क्या करते हैं, इसको होल रूट लिख देते हैं, अदरवाइज ये सीधा ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यही आएगा, कुछ और आएगा? यही आएगा। चेक कर लिया, देख लिया अपना? यस सर। चलो अब डॉट प्रोडक्ट या कहें स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चंस भी लगाए हैं अभी एनसीईआरटी लेवल से। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट कह दो इसको या वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसे वेक्टर की जगह कई बार क्या पढ़ते हो आप? क्रॉस वर्ड भी होते, ठीक है? वेक्टर प्रोडक्ट कह दीजिए या क्रॉस प्रोडक्ट कह दीजिए। ये जब हम इसे पहले की तरह थोड़ा सा बनाएंगे तो भाई ऐसे ए वेक्टर होगा, ये अपना बी वेक्टर, और बीच का एंगल क्या है मेरे बेटो? थीटा, ठीक है? तो अगर अगर ये दोनों वेक्टर इस तरह से हैं जैसे मेरी उंगलियां हैं ऐसे, तो इस इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है इन दोनों पर? परपेंडिकुलर। मतलब ये जो वेक्टर बनेगा वो एन वेक्टर इस तरह से बनेगा, और ये क्या होगा? ये आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर, और ये दोनों के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। क्या बनाएगा दोनों के साथ? 90 डिग्री एंगल, समझ रहे हो बेटा? Yes, तो अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं तो ये होगा ए बी साइन थीटा, और साथ में होगा एन कैप। ये एन कैप क्या चीज है? यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन ए
एंड बी, ये ए बी के साथ एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, और उसमें ये चीज क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, क्या है ये मैग्नीट्यूड। अगर सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो ये ए बी का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये डिटरमिनेंट आपने पढ़ा होगा, डिटरमिनेंट ये इस डिटरमिनेंट से निकाला जाता है, समझ रहे हैं आप। जो ए क्रॉस बी है ये अगर मैं निकालूं इसको, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये निकलता किससे बेटा, डिटरमिनेंट वाले मेथड से, इस तरह से, डन। अब मान लो मुझसे जैसे वहां एंगल पूछा जाता था, यहां भी तो एंगल पूछ सकता है, तो अगर मुझसे एंगल पूछा जाए तो मैं लिखूंगा साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ये अपने पास आएगा साइन थीटा, क्लियर है, दिख रहा है बेटा, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। एंगल अपना मालूम है ना, कहां से कहां तक होगा, नेक्स्ट है। अब इसकी कुछ बातें करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को लेकर के। ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो आप ये समझिए कि या तो पहली कंडीशन पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है, दूसरी कंडीशन हो सकता है ए जीरो हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बी जीरो, ठीक है। ए क्रॉस बी जीरो आएगा अगर, तो मे बी पैरेलल, क्योंकि जब पैरेलल होंगे तो एंगल जीरो होगा, क्यों भाई, ए और बी दो वेक्टर हैं, अगर वो पैरेलल हैं तो जीरो होगा ना उनके बीच का एंगल, और फिर ए बी जब लिखूंगा मैं क्रॉस प्रोडक्ट तो ए बी साइन थीटा आएगा, और थीटा हो गया जीरो, तो इसका मतलब हुआ कि उनके बीच का एंगल जब जीरो होगा तो वो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, ठीक है बेटा। दूसरा केस, अगर ये कोई भी एक जीरो हो जाता है, तो हमने अभी पढ़ा कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैं तो डिटरमिनेंट रखता हूं ऐसे, अब अगर ये कोई जीरो बन गया ऐसे, और यहां अपना पी क्यू आर है, तो अगर कोई रो कॉलम जीरो होती है तो वो जीरो हो जाता है, उसका एक्सपेंशन हो जाता है, यस सर। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी जीरो तब भी आ सकता है जब या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए, अगर ए बी में से कोई एक जीरो है तो आंसर भी जीरो आ सकता है, ठीक है। दूसरा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन नेगेटिव होते हैं एक दूसरे, एग्जैक्टली इक्वल ना हो करके, मैग्नीट्यूड तो मैं कह दूंगा इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल बोल सकता हूं, लेकिन न्यूमेरिकल जो उनका निकालोगे, रिजल्ट निकालोगे, तो माइनस का डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है बेटा, यस सर, ओके, क्लियर हो रहा है, यस सर। नेक्स्ट, इफ ए परपेंडिकुलर बी, मतलब अगर ए बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी मैग्नीट्यूड के इक्वल, ऐसे मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो, ठीक है। इसी में आगे जोड़ते हैं, अगर ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो या ए का माइनस ए से क्रॉस प्रोडक्ट हो,
दोनों ही केस में क्या आंसर बनेंगे? जीरो, क्योंकि इस केस में थीटा कितने डिग्री होगा? जीरो, और इस केस में क्या होगा? 180, ठीक है ना? और साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है इस केस से, क्यों बेटा? यस सर। चलिएगा, इसके बाद क्या करेंगे अब? ये बताओ आई और जे का क्रॉस, आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है? ये साइक्लिक फॉर्म होता है आई जे एंड के। देखो अगर मैं यहां पर इन दोनों का लेता हूं, इन दोनों का लेता हूं तो आंसर बनेगा के। तो आई जे का आंसर क्या बना? अगला पार्ट जे के को लेकर के बनाओगे और फिर के और आई को लेकर के बनाओगे, साइक्लिक तो यही बोलता है, क्यों बेटा? तो इसके हिसाब से देखो जे और के मिला करके आई देंगे, इन दोनों से ये बनेगा, इन दोनों से ये बनेगा, ऐसे चलता रहता है। तो के और आई से क्या बना? अब अगर कहीं मैं आई के बोल दूं, इसको उल्टा कर दोगे तो माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, समझ रहे हो? यस सर। अब आ जाओ अगर मैं आई आई का प्रोडक्ट ले लूं, क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो, ये समझ आ गई लाइन? क्योंकि ये यही तो हो गया, ए ए एक तरह से सेम वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हो, एंगल जीरो होगा, एंगल जीरो होगा तो वैल्यू जीरो, क्यों बेटा? सही है? यस सर। निकाल लें सर, हम आईआईटी लेवल के क्वेश्चन कब करेंगे बेटा? पहले स्कूल लेवल का कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं रैंडम चलेगा ना, फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेंगे हम लोग, थ्योरी यही रहेगी लगभग, कुछ थ्योरी पॉइंट आया करेंगे वो मैं लिखवा दिया करूंगा, ठीक है? थ्योरी में ज्यादा बदलाव नहीं होता है, क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा सा अलग होता चला जाता है, मतलब थ्योरी लगभग ऐसी ही रहती है, थोड़ी बहुत ट्रिक्स या थोड़ा बहुत कंसेप्ट आता है अलग से, क्वेश्चंस जो है ना वो ट्रिकी होते हैं, ट्रिकी मतलब कहने का मेरा कि कई कई कंसेप्ट, दो तीन चार कंसेप्ट किसी भी चैप्टर के कहीं भी लिंकअप हो जाते हैं और वो उसके अंदर लगते हैं, फिर जब उस लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आने लग जाता है, धीरे धीरे जब थ्योरी क्लियर होती है तब समझ में आने लग जाता है कि भाई ये क्वेश्चन लगना कैसे है, उसका रूट कहाँ, मतलब बेसिक कहाँ से निकाल के लाओगे उसे। हो गया बेटा? ये ट्वेल्थ के बच्चे भी है ना इस बैच में, जो इस टाइम ट्वेल्थ में है, है ना? यस सर। हाँ तो इसीलिए बेटा वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ना बोर्ड लेवल का भी। आगे चलो। यस सर। अगर मैं एंगल निकालना चाहूं साइन थीटा तो कैसे निकलेगा, याद है अपने को? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा यहाँ पर, अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ठीक है? नेक्स्ट है अगला पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आया बेटा? यस सर। अगला पॉइंट है कि अगर आप किसी ट्रायंगल एबीसी की बात करो और उसका एरिया निकालना चाहे तो आप एक कॉमन पॉइंट पकड़ लेना, जैसे उससे एक वेक्टर बनेगा बीसी और बीए, क्या बनेगा? बीसी एंड बीए। जब इसका एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो वन अपॉन टू, और ये डिटरमिनेंट ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी क्रॉस बीए। अब ये याद रखना, मैंने बीसीबीए लिए हैं, आप इसे जरूर नहीं बीसीबीए लो, आप इसे ए बी ए सी कर सकते हो, कोई एक पॉइंट पकड़ लेना,
या वन अपॉन टू सी ए इंटू सी बी, किसी एक पॉइंट को कॉमन पकड़ के बना लेना है, ऐसे दो वेक्टर बना लेना किसी भी पॉइंट को पकड़ के, वो आप निकाल, ठीक है, दिख रहा मुझे? आगे चले बेटा, अब ये कोई भी पैरेललोग्राम टाइप का हो या आपका रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उस केस में आपके पास ये साइड आ गई है, यानी ए बी एंड ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, उसका मैग्नीट्यूड लोगे, ये आप एरिया निकाल सकते, ये एरिया निकालने में आप ए बी ए डी ले लो या बी ए बी सी ले लो या सी डी सी बी ले लो, ऐसे कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है, कोई एक पेयर उठा लो इस तरह कंसेक्यूटिव साइड्स, और किसी एक पॉइंट को कॉमन लेते हुए आप कर सकते हैं। एक होता है, अगला पार्ट है जिसमें डायगोनल को लेकर के बात है, रोम्बस है ना, डायगोनल, एक डायगोनल हो गया अपना डी वन वैक्टर, एक हो गया डी टू, ए बी सी एंड डी, तो एक वेक्टर हो गया ए सी, एक हो गया बी डी, आप इन दोनों के मैग्नीट्यूड का आधा कर दोगे तो यहाँ एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ ए सी इंटू बी डी, याद है ना वन अपॉन टू डी वन डी टू पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वन अपॉन टू डी वन डी टू, ऐसे भी पढ़ते थे ना अपना, क्यों बेटा, एक बटे दो लंबों का गुणनखंड है ना, लंबों का गुणनफल, ये इस तरह से विकर्णों का गुणनफल हो गया, नोट कर लें, चलें बेटा, यस सर, चलो पहले एग्जांपल देखते हैं। A इक्वल टू आपके पास है एंड B इक्वल टू भी आपके पास है, आपसे कहा गया A क्रॉस B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B फाइंड करना है, ठीक है बेटा, चलो लगाओ कैलकुलेशन करना ध्यान से, सो माइनस थर्टीन आई कैप प्लस थर्टीन जे कैप प्लस सेवन के कैप, ओके, और किसी बच्चे का भी आया बेटा, यस सर, चलो अब चेक कर लेते हैं अपना आईजे के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं, टू वन थ्री थ्री फाइव माइनस टू, अब इसका एक्सपेंशन जब आई के ले जाओगे तो देखो माइनस टू माइनस फिफ्टीन माइनस सेवनटीन, क्यों बेटा, यस सर, क्लियर है यहाँ पे, यस सर, प्लस थर्टीन जे, क्यों बेटा, यस सर, प्लस सेवन के, यस सर, अब इसके बाद मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है मेरे को, रूट के अंदर 289 प्लस 169 प्लस 49, ऐसा ही तो लोगे बेटा, यस सर, क्या आ गया, पांच सौ सात,
अंडर रूट 500। यस सर, बिल्कुल सही। आगे चलें। यस सर। आपको कहा गया दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर हो गया अपने पास आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर हो गया हमारे पास, ये ए और बी दो वेक्टर हो गए। उन्होंने कहा फाइंड अ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, थ्योरी समझ में आई क्या करना है? ए और बी दो वेक्टर है मेरे पास, पहले इन दोनों को प्लस कर लो और माइनस कर लो। दिख रहा है? प्लस माइनस कर लेंगे, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट सीओडी मान के कर लेना, आसान रहता है लिखना। ठीक है, यस सर। प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप a प्लस b का क्रॉस प्रोडक्ट आया जो यूनिट वेक्टर। यस सर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी चेक कर लें पहले हम, है ना? तो जब प्लस करेंगे तो आएगा 2i 3j 4k, और a माइनस बी करेंगे अगर तो आएगा माइनस जे एंड माइनस टू के। ठीक है बेटा। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए c और d कंसीडर कर लेता हूं। तो c क्रॉस d परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए पहले c क्रॉस d निकाल लेते हैं, बाकी बाद में मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे। i j k ले लिया, 2 3 4, 0 -1 -2। अब जब मैं आई लूंगा तो देखो -6 + 4, फिर इसकी बात करते हैं -4 आएगा, के की बात करते हैं -2 आएगा, यानी इसे लिखा जाएगा -2i 4j -2k। ऐसा आया क्या सी क्रॉस डी? यस सर। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो भाई इसका मैग्नीट्यूड लेना है ना। अभी तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √4 16 4, ऐसा कुछ आया? यस सर। √2 √6 हो जाएगा ना। क्यों बेटा? √6। अब ये जो यूनिट वेक्टर है वो अपना इस वेक्टर को 2 कॉमन भी ले लेता हूं मैं, ऐसा करके बना दिया जाएगा यूनिट वेक्टर को। क्यों भाई, सही है क्या ये? Yes, sir. सभी का आंसर आ गया सही? Yes, sir. आगे चलें। हो गया बेटा? आपके पास एक ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है इस बार और पॉइंट्स दिए हुए हैं।
ये एबीसी ट्राइंगल है अपना, एरिया पूछा गया बेटा। एरिया पूछ रहा है वो, एबीसी ट्राइंगल दे दिया गया है। तो हमने इस पे बात की थी कि किसी एक पॉइंट को पकड़ के वेक्टर बनाना है, ऐसी तो बात की थी भाई। तो अगर मैं बी पॉइंट पकड़ लेता हूं तो मुझे एक वेक्टर बी सी चाहिए और एक बी ए चाहिए। इसी वेक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, आई प्लस जे माइनस टू के। और बी ए वेक्टर बनाते हैं, ये हो गया अपने पास माइनस जे और माइनस टू के। क्या ये ठीक लिखा? यस सर। बेटा इसे ए वेक्टर मान लेते हैं और बेटा इसको बी मान लेते हैं। तो ए क्रॉस बी पे अब बात आ गई, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं अपना आई जे के वन वन माइनस टू जीरो माइनस वन माइनस टू। जब मैं आई की बात करूंगा तो माइनस टू प्लस टू जीरो हो गए, तो माइनस टू माइनस फोर सॉरी, ठीक है। माइनस जे की बात कर देते हैं, माइनस टू आएगा। अपना के ले लेते हैं लास्ट वाला, माइनस वन आएगा। माइनस फोर आई प्लस टू जे माइनस के, क्या ये आ गया ऐसा? यस सर। ओके, अब एरिया लेते हैं अगर हम, तो वन अपॉन टू और वन अपॉन टू के बाद क्या लगाना है मेरे को, मैग्नीट्यूड लेना है ना ऐसे। तो ये क्या आएगा रूट के अंदर, 21। यस सर। तो यही आंसर बन गया अपना, स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे। क्यों भाई, आ गया अपना एरिया? हो गया बेटा? समझ आ गया बेटा? यस सर। आगे चले? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ ए इक्वल टू ट्वेंटी सेवन के, एंड बी इक्वल टू अपने पास है एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, फिर इसके बाद कहा फाइंड लैम्डा एंड म्यू, ये आपसे पूछे। ठीक है बेटा, लैम्डा में पूछे बेटा। सर लैम्डा इक्वल्स टू थ्री एंड म्यू इक्वल्स टू 27 बाय 2। तो अपने को क्या करना है, डिटरमिनेंट जीरो रख देना है एक तरह से ऐसे। क्यों बेटा, अब इसे जीरो, देखो आई का कोफिशिएंट जीरो जाएगा, तो सिक्स म्यू माइनस ट्वेंटी सेवन लैम्डा इक्वल टू जीरो एक, दूसरा टू म्यू माइनस ट्वेंटी सेवन इक्वल टू जीरो, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, ट्वेंटी सेवन अपॉन टू। क्यों बेटा? यस सर। और फिर यहां तीसरे वाले पे आएंगे तो टू लैम्डा, सॉरी हाँ टू लैम्डा
लैम्बडा की वैल्यू 3। यस सर। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो ये नोट करके लिख लेंगे आप। ए क्रॉस बी क्या होता है? क्यों बेटा? ऐसा होगा ए क्रॉस बी? ये बताओ, अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा ऐसे, तो ये हट जाएगा, 1 होता है उसकी वैल्यू, तो ऐसे होगा, और ये ए बी साइन थीटा बच गया। ठीक है, अब बेटा अगर मैं ए क्रॉस बी का स्क्वायर ले लूं, तो ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सोच लो क्यों भाई? यस सर। इसे क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकते हो? यस सर। ऐसा हो सकता है? यस सर। ये तो ए डॉट बी का स्क्वायर हो गया, क्या कहते हो? तो एक ये आप समझ लीजिए कंसेप्ट ही है एक तरह से, ठीक है, एक फॉर्मूला टाइप का हो गया है। नोट करें जरा इसको। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको गिवन क्या क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो आपके पास 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो आपके पास √2/3, एंड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। Find the angle between A and B. Question समझ आया? Yes sir. A का magnitude, B का magnitude पता है? A cross B जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक unit vector है, ठीक है, और उनके बीच का एंगल पूछा गया है। सर 45 डिग्री। सर 45। तो यहां ये बोला जा रहा है कि ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर की बात करूं तो 1 हो गया भाई मैग्नीट्यूड। यस सर। इसका मतलब अगर मैं साइन थीटा पे जाऊंगा तो मैं जाऊंगा 1/a का मैग्नीट्यूड इनटू ऐसे। यस सर। अपना 3 हटेगा तो 1/√2, और थीटा पाई बाई 4 या 45 डिग्री बन जाए। सही है बेटा? आ गया? हो गया बेटा?
चलो नेक्स्ट पे मूव करें। यस सर। आपको तीन वेक्टर हैं ए बी और सी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, बी हो गया 4 और सी का मैग्नीट्यूड हो गया 5। फिर उसने कहा कि ए प्लस बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी के, बी प्लस सी परपेंडिकुलर है ए के और ए प्लस सी परपेंडिकुलर है बी के। ये चीज गिवन है इफ करके। देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है एक तरह से। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से करना और इस बात का यूज ध्यान से करना। आपको वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब हो गया 2 बार प्रोडक्ट। क्यों बेटा ऐसा हुआ? इसका मतलब दिख रहा है आपको? यस सर। तो इससे ये चीजें तो अलग कर दो, ये वाले पार्ट स्क्वायर्स बनेंगे ना। बाकी क्या होगा, जैसे ए का प्रोडक्ट होगा तो ये 2a.b 2b.c 2c.a ऐसे ऐसे बनेंगे, ये वाले पार्ट बनेंगे नहीं बनेंगे? yes. क्यों भाई? अब ये आ जाओ जरा, जब ये परपेंडिकुलर हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे सबके? जैसे ए प्लस बी के साथ अगर सी का डॉट प्रोडक्ट जाएगा तो वो 0 होगा। समझे इस बात को? यस सर। अब ऐसे ही इनके भी तो प्रोडक्ट होंगे, तो अगर इसे प्रोडक्ट को आप खोल दें ओपन कर दें तो ये होगा ए सी बी सी 0। ऐसे ही इनके साथ भी तो बनेंगे, यहां पर उन सबको ऐड करोगे तो वो ये चीज बन जाएगी और ये क्या हो जाएगा फिर इतना पार्ट 0। भाई ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा। yes, तो अपने पास अब क्या क्या बचेगा? ये हो गया अपना 9, 16, 25 और इधर ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ही छोड़ दो अभी तो स्क्वायर में, ये हो गया 50। और जब आप वैल्यू निकालोगे ए प्लस बी प्लस सी तो स्क्वायर रूट लोगे क्या आएगा? 5√2। क्यों बेटा? हाँ जी बेटा। जी बेटा आ गया? यस सर। नोट कर लो बेटा। आगे चले, नेक्स्ट है ए मैग्नीट्यूड आपके पास 1, बी मैग्नीट्यूड आपके पास 4, सी मैग्नीट्यूड आपके पास 2 और साथ में ये भी बोला कि भाई ए प्लस बी प्लस सी ये 0 है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
ए बी बी सी सी ए, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये आपसे पूछा गया। क्लियर है? ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड, तीनों आपको दिए हुए हैं और ए प्लस बी प्लस सी जीरो बोला है। ठीक है बेटा, और वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। माइनस 21 बाय 2 चलो आते हैं जरा, रूल वही रहेगा, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो ये भी जीरो होगा फिर, भाई ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो मैग्नीट्यूड जीरो। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो ऐसा कुछ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो रहेगा। यस सर। अब ये सोचिएगा, इनकी वैल्यू पता है मुझे, 1 16 4 ट्वाइस ऑफ, इसे ना थोड़ी देर के लिए कोई पी वैल्यू ले लो, है ना, ऐसे पी मान लिया मैंने, वेक्टर नहीं होगा ये, है पी मान लिया, इक्वल टू जीरो। तो आपका टू पी की वैल्यू कितनी हो गई, 21 माइनस की, और ये हो गया माइनस 21 अपॉन 2, तो इसकी जो वैल्यू आई वो माइनस 21 अपॉन 2 आ। ठीक है ना? यस सर। जिसने बेटा नोट नहीं किया है वो देख सकते हैं, नोट कर ले इनको। हो गया बेटा? यस सर। आगे चले? यस सर। नेक्स्ट है, आपको एक अल्फा वेक्टर दिया, अल्फा वेक्टर है अपने पास 3i-j, दूसरा वेक्टर है बीटा, ये दूसरा वेक्टर हो गया है। उसने कहा कि अगर बीटा इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एंड बीटा वन पैरेलल टू अल्फा कॉमा बीटा टू परपेंडिकुलर टू अल्फा, देन फाइंड बीटा वन एंड बीटा टू, देन फाइंड बीटा वन एंड बीटा टू। ठीक है बेटा, आपको अल्फा बीटा दिए, फिर उसने कहा कि बीटा जो है वो दो जगह ब्रेक हो गया है, फिर उसके बाद बीटा वन बीटा बीटा वन अल्फा से पैरेलल और बीटा टू अल्फा से परपेंडिकुलर, वैल्यू पूछी है बीटा वन बीटा टू। बना बेटा? नहीं बना, नहीं बना। देखो उसने कहा ये दोनों पैरेलल हैं, जब ऐसा समझ लो दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं
ए एंड बी, तो ए इक्वल टू लैम्बडा बी हम लगा सकते हैं, ठीक है, या रेशियो इक्वल लग सकते हैं, रेशियो इक्वल जो आईजे के होते हैं ना उनके कोफिशियंट का रेशियो इक्वल, कैसे, ए वन अपॉन बी वन, ए टू अपॉन बी टू, ए थ्री अपॉन बी थ्री, ऐसे रेशियो इक्वल रख सकते, या ए इक्वल टू लैम्बडा। अब यहां दोनों पैरेलल बोले तो मैं क्या मानता हूं कि जो बी वन होगा वो लैम्बडा अल्फा हो जाएगा, ठीक है, इससे पता चला कि भाई बी वन वेक्टर जो बनेगा वो यहां पर लैम्बडा लगेगा तो क्या हो जाएगा, थ्री लैम्बडा आई माइनस लैम्बडा जी, यस नो, सोच लो क्यों भाई, लैम्बडा आ गया यहां पर। अब उसने कहा कि जो बीटा टू है वो मैं क्या निकाल सकता हूं भाई, मैं निकाल सकता हूं ऐसे करके, इसे इधर भेज दो बीटा वन को, अब इसके साथ कनेक्टिविटी इसकी जब जाएगी कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, हाँ बेटा माइनस कर दो, देखो बीटा में से ये माइनस होगा तो आई के साथ क्या बनेगा, टू माइनस थ्री लैम्बडा, जे के साथ बनेगा वन प्लस लैम्बडा, माइनस थ्री के, हाँ या ना बोलो, ऐसा होगा क्या, yes, sir. ऐसा ही तो बनेगा बेटा, वो आई जे के कॉमन बना करके अपना, सर जे के साथ वन माइनस लैम्बडा होना चाहिए ना, नहीं ये माइनस तो ऑलरेडी है ना, माइनस कर रहे हो ना, yes, sir. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, yes, sir. अब बीटा टू परपेंडिकुलर है अल्फा से, यही तो दिया उसने, तो अब क्या करना चाहिए मुझे, डॉट प्रोडक्ट जीरो, बीटा टू और अल्फा डॉट प्रोडक्ट जीरो, टू माइनस थ्री लैम्बडा, ये किसके साथ जाएगा, थ्री के साथ, और फिर माइनस वन प्लस लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, लैम्बडा निकल जाएगा यहां से, सिक्स माइनस नाइन लैम्बडा माइनस वन माइनस लैम्बडा इक्वल टू जीरो, ये फाइव हो गए, फाइव माइनस टेन लैम्बडा इक्वल टू जीरो, लैम्बडा हाफ, सोचो लैम्बडा की वैल्यू वन बाई टू, लैम्बडा की वैल्यू वन बाई टू, अब ये लैम्बडा वन बाई टू कहां जाना चाहिए, पहले तो इसे यहां रख दो बीटा वन के लिए, थ्री आई अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू जे, ये आ गया, यस सर, फिर यहां जाएंगे हम, यहां बीटा टू के लिए, बीटा टू टू माइनस थ्री बाई टू तो आई बाई टू, प्लस थ्री बाई टू जे माइनस थ्री के, ये अपने पास बीटा टू आ जाए, क्या कहते हो, यस सर, तो अल्फा बीटा पूछे थे, सॉरी बीटा वन बीटा टू पूछे थे, दोनों आ गए मेरे, सही है, यस सर, चलो नोट कर लेते हैं, हो गया सर, ए भाई इसे फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, ओके, एक अल्फा वेक्टर था एक बीटा वेक्टर था, दो वेक्टर दिए थे, उसने कहा बीटा को दो वेक्टरों की फॉर्म में तोड़ दो, बीटा वन एंड बीटा टू, लेकिन बीटा वन पैरेलल होना चाहिए अल्फा के और बीटा टू परपेंडिकुलर होना चाहिए अल्फा के, हमने क्या किया, हमने ये पैरेलल वाली बात पकड़ ली
और हमने कहा कि जब पैरेलल होते हैं तो बीटा वन जो है वो लैम्डा टाइम ऑफ अल्फा हो जाएगा। तो अपना यहाँ पर ये बीटा टू लगा, बीटा वन हो गया, ये अल्फा के साथ लिंकअप करके लैम्डा इन्वॉल्व करके ये बनाया। जब बीटा वन पता चल गया तो यहां वाले पार्ट से इस वाले पार्ट से मैंने बीटा टू निकाल दी। बीटा टू कैसे निकला, बीटा माइनस अल्फा बीटा वन करके आईजे के कॉमन लेकर के ये मैंने बना दिया। अब वो कहता है कि जो बीटा टू है वो परपेंडिकुलर किसके साथ है, अल्फा के। तो हमने डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया इस बीटा का, बीटा टू का। वहां से मैंने देखा लैम्डा मेरा मिल गया, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू मैंने इस जगह पर रखी है और एक मैंने इस जगह पर, ये अपने पास दोनों आ गए, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, आपको कहा गया ए आपको एक वेक्टर दिया हुआ, ये है आपके पास आई प्लस जे प्लस के। एक बी वेक्टर है आपके पास टू आई माइनस जे माइनस थ्री के, और एक सी वेक्टर है आई माइनस टू जे प्लस के। फिर उन्होंने कहा यूनिट वेक्टर क्वेश्चन मार्क इन द डायरेक्शन ऑफ टू ए माइनस बी प्लस थ्री सी, ये आपसे पूछा, ठीक है बेटा। लगाओ ध्यान से, सर थ्री आई माइनस थ्री जे प्लस एट के अपॉन अंडर रूट 82। किस किस का आ गया बेटा, तो ये जो वैल्यू निकलेगी तो ट्वाइस ऑफ ए तो टू 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 हो जाएगा, यस सर, टू आई टू जे टू के। फिर बी वाला माइनस में माइनस टू आई प्लस जे प्लस थ्री के। फिर थ्राइस ऑफ सी तो प्लस थ्री आई माइनस सिक्स जे थ्री के। अब इसे प्लस माइनस करना है बस, तो ये अपने खत्म हो गए दोनों, क्यों भाई थ्री आई बचेगा। यस सर। यस सर। अपना जे चेक कर लेते हैं बेटा, माइनस थ्री जे कैप, और के वाला अपने पास कितना आएगा, एट प्लस एट के, एट के कैप। ओके, अब आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर बनाना है। तो इसे अगर डी सोच लो थोड़ी देर के लिए, तो डी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ऐसा ही तो होगा। यस सर। 92। यस सर। क्लियर है। यस। तो टू रूट 23, क्यों भाई, टू रूट 23 तो हो जाएगा, इसे तोड़ा नहीं था सर, वन नहीं, ये सर ये 82 होना चाहिए ना, 82 बनेगा ना, 82 बनेगा। अब आपको क्या निकालना है, डी का यूनिट वेक्टर, ये चीज चाहिए ऐसे, ऐसा आना चाहिए फिर, अगर कैलकुलेशन सही है हमारी, क्यों भाई, ठीक
ठीक है बेटा। सर आप नीचे रूट लगाना भूल गए 82 में। जी सॉरी। ओके यस सर। अब ठीक है आ गया भाई। यस सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एक एडजेसेंट साइड्स बोली है पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम उसकी एक साइड यहां पर आपको दी हुई है एक तरह से 2i माइनस 4j प्लस 5k। अब इस साइड को ले लो चाहे तो चाहे उसे लिख लो। यह है i माइनस 2j आई माइनस 2j माइनस 3k। ठीक है। अब इसका एरिया पूछा है और डायगोनल निकालना होगा AC एक तरह से, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दोनों को ऐड भी कर सकते हैं डायगोनल के लिए। एरिया निकालो जरा इसका। कैसे करोगे? एरिया अपना A क्रॉस B निकलेगा पहले और उसका डिटरमिनेंट मैग्नीट्यूड। तो I J K ये हो गया 1, चलो उसे पहले ले लो 2 माइनस 4 5, 1 माइनस 2 3। सही है बेटा। तो ये आएगा अपना माइनस 12 प्लस 10 ऐसे 6 माइनस 5 ये आ गया और माइनस 4 प्लस 4 जीरो हो जाएगा, ये आया रूट 5। क्यों बेटा? रूट 5 स्क्वायर यूनिट आ गया बेटा। ये तो सर वो माइनस 3 है। अच्छा यहाँ पे माइनस 3 है 5 के नीचे। अच्छा तो ये गड़बड़ हो गया अपना। अब क्या वैल्यू बनेंगी? चलो माइनस 2 प्लस 12 प्लस 10 हो जाएगा है ना 22। 22 आई। क्यों बेटा? और फिर माइनस जे वाला ये हो गया अपना माइनस सिक्स माइनस हो गया तो प्लस का 11j और ये तो ठीक रहेगा अपना 8 11 रूट 3। रूट 5 11 रूट 5 आएगा मेरे ख्याल में, देख लो एक बार। आगे चलो बेटा। सर के कैप की वैल्यू क्यों नहीं ली? के ये जीरो हो जाएगा ना माइनस 4 प्लस 4 हो गए, ठीक है ना बेटा? यस। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इस बार आपके पास ABC 3 वेक्टर है। A वेक्टर हो गया, B वेक्टर है, फिर C वेक्टर है अपना, इन्होंने कहा एक D वेक्टर बताना है
डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, और साथ में कंडीशन है सी डी को लेकर के, ये 15 है, डी आपसे पूछा गया, डी वेक्टर आपसे पूछा, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं क्या करना है इसका। उसने कहा कि जो D है वो A क्रॉस B, यानी कि AB पे परपेंडिकुलर है, तो हम D को लेट कर लेते हैं लैम्डा A क्रॉस B और उसका यूनिट वेक्टर। आया कुछ समझ भाई? A और B पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड जाऊं तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल लूं और वहां लैम्डा की मल्टीप्लाई ले लूं, तो A क्रॉस B निकालने में कोई परेशानी है मुझे? ऐसे निकल जाएगा अपना A क्रॉस B, क्यों भाई बोलो? थर्टी टू आएगा इसमें, यहां वन आएगा के के साथ, माइनस 12 ये आ गया अपने पास A क्रॉस B, क्यों बेटा सही आया ये? हाँ जी बेटा। सर के साथ माइनस 12 14, हाँ ये 14 आएगा, वही मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर रहा था। अब क्या करोगे? यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा अभी अपना, इसको क्या आ गया? कितना बैठेगा? ऐसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी? यस सर। इसका मतलब d इक्वल टू लैम्डा टाइम और ये वेक्टर की फॉर्म 32i माइनस j माइनस 14 के अपॉन रूट में ये वैल्यू, क्यों भाई? अब कई बार पता क्या करते हैं ये लोग ना इसको लेते ही नहीं है, वो कहते हैं भाई लैम्डा में ही आ गया ये सब कांस्टेंट, समझ रहे हो बेटा? वो इसको लिखते ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये सारी चीज एक तरह से कांस्टेंट बन गई ऐसे। तो डी वेक्टर ऐसा कुछ हो जाएगा? हाँ बेटा। यस सर। अब इस डी का जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे किसके साथ? सी के साथ, वो उसने बोला 15 है, कितना बोला है? 15। यस सर। निकालना जरा भी लैम्डा, क्यों बेटा ऐसा ही आएगा? लैम्डा इक्वल टू 15 अपॉन 9 5/3। यस सर। अब इसको यहां रख देंगे क्या? हाँ जी बेटा। यस सर। तो ये अपना बन जाएगा सर। जी सर, मैंने एक दूसरी मेथड से किया, उससे भी सही आंसर आ रहा है। हाँ देखो, दूसरा क्या हो सकता है,
सर ये जो ये डी वेक्टर पहला सॉरी परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, तो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसमें इसमें ये कर सकते हैं कि कोई डी वेक्टर मान लेंगे अपना एक्स आई वाई जे जेड के, है ना। अब एक बार इसका ए से डॉट प्रोडक्ट जीरो, एक बार बी से और एक ये, तो तीन इक्वेशन हो जाएंगे एबीसी की या एक्स वाई जेड की। यस सर। है ना, तो एक्स वाई जेड की तीन वैल्यू मतलब तीन इक्वेशन बन जाएंगे, वहां से एक्स वाई जेड आ जाएगा अपना, ठीक है ना। यस सर। तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ओके यस सर। चलो एक और लगाते हैं। नेक्स्ट इसमें कहा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ये ए वेक्टर है आई जे और के, ठीक है, एक बी वेक्टर और एक सी वेक्टर और हैं अपने पास, सी वेक्टर है अपने पास ये हो गया, ठीक है। उसने कहा कि ये जो ए है इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी प्लस सी के साथ क्या आता है, वन आता है। तो लैम्डा आप बताइए क्या होगा। समझ गए ना क्वेश्चन तो। यस सर। नेक्स्ट क्लास में अब हम आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, आज ये अपना खत्म हो जाएगा ना बोर्ड लेवल स्कूल लेवल। चलो देखते हैं ना, पहले ए प्लस सॉरी बी सी कर लेते हैं ऐड, तो अपने पास आएगा आई के साथ होगा टू प्लस लैम्डा, जे के साथ सिक्स जे एंड माइनस टू के, है ना। यस सर। और इसका डॉट प्रोडक्ट रहेगा किसके साथ, अपने आई प्लस जे प्लस के साथ, और इक्वल टू रख लिया वन। अभी होगा टू प्लस लैम्डा प्लस सिक्स माइनस टू इक्वल टू वन, लैम्डा इक्वल टू ये तो अपना कट गया है ना माइनस फाइव, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट इसमें कहा इफ ए परपेंडिकुलर बी देन प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है, उल्टा जानते हो कैसे, उल्टा ऐसे कि वो ये बोल सकते हैं कि भाई आपके पास ये सिचुएशन है, ये गिवन में दे सकते हैं वो, और कहेंगे बताओ परपेंडिकुलर है ये भी, ऐसा भी बोल सकते हैं, उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरे बच्चों। यस सर। चलो लगाओ। आगे बेटा। यस सर। चलो देखो देखते हैं इसको, जब लोगे तो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी होगा एक तरह से, है ना। अब यहाँ ए डॉट बी की वैल्यू कितनी रखोगे भाई, जीरो। तो ये तो हो गया अपना जीरो, तो बचा कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीज अपने आर एच एस है,
ठीक है ना, ए परपेंडिकुलर बी की वजह से ए डॉट बी जीरो पुट कर लिया। ओके बेटा, तो आज हमने स्कूल लेवल यानी कि एनसीईआरटी लेवल से चैप्टर अपना पूरा कर लिया है, ठीक है।